हेलो वेलकम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड काउंसलिंग 2019। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड फेज वालों का, जिनका जो काउंसलिंग है वो कल से स्टार्ट कर दिया जाएगा और ये प्रक्रिया आपका 26 अगस्त तक चलेगा। तो चलिए जान लेते हैं, कुछ आर्टिकल छपा है और सबको मिलेगा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको काउंसलिंग अच्छे से करनी होगी और कॉलेज प्रिफ्रेंस है जो अच्छे से फिल करना होगा, तभी आपको सरकारी कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आप देख सकते हो कि आपके स्क्रीन पर एक आर्टिकल दिख रहा है छोटा सा, डीएलएड में प्रवेश का दूसरा चरण कल से। तो कुछ इसमें देखिए, आपके लिए बोला गया है प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने का 2 वर्षीय प्रशिक्षण, मतलब कि शॉर्टली आपको मैं बता दूँ, अगर आप डीएलएड कर रहे हो ताकि आपसे कोई पूछे तो आप बता सको, आपको एम्बेरस फील ना हो सके। तो सबसे पहले जो डीएलएड होता है वो 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होता है, ठीक है। और डीएलएड का जो फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, ठीक है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आपको पता होना चाहिए अगर आप ये कोर्स कर रहे हो। तो देखिए इसमें क्या बोला है, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम डीएलएड 2019 दूसरे चरण का प्रवेश शुरू होने जा रहा है। शुक्रवार से लेकर 31 अगस्त तक ये प्रक्रिया एक साथ चलती रहेगी। देखिए ये बोला गया है, मतलब कि 31 अगस्त तक आपका रिजल्ट सब, मतलब सब कुछ हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको सरकारी कॉलेज मिला है या फिर प्राइवेट। इसमें करीब 1.5 लाख रिक्त सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। देखिए इसमें बोला गया है आपका 1 लाख प्लस आपकी सीटें हैं, मतलब कि 1,50,000 प्लस जो है आपकी अभी सीटें खाली हैं, कुछ लगभग 1,61,000 सीटें शायद खाली हैं, ठीक है। और प्रवेश में 67 डायर शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों के अलावा करीब 3,000 से अधिक डीएलएड में निजी हैं, वहाँ करीब 2,30,000 से अधिक सीटें खाली हैं। अब आप बताओ, अब आपको कॉलेज नहीं प्रोवाइड होगा तो कब होगा, जबकि इतना सारा सीट जो है वो खाली है। इस बार डीएलएड में प्रवेश प्रक्रिया काफ़ी देर से शुरू हो सकी, क्योंकि पहले चुनाव चल रहा था, इलेक्शन की वजह से जो हुआ वो देरी हो गई थी। और जबकि बीएड कॉलेजों में प्रवेश पहले ही हो चुका है, इसका असर डीएलएड पर पड़ा है। मतलब कि जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि पता नहीं डीएलएड आएगा कि नहीं, इसीलिए बीएड पहले आया तो उसमें उन्होंने इंट्रेंस एग्जाम दिया और अपना स्टडी कर रहे हैं। इसी वजह से जो है वो डीएलएड के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो कम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले चरण में सिर्फ डायटों की अधिकांश सीटें भर सकी हैं, जबकि निजी कॉलेजों की अधिकांश सीटें खाली हैं। पहले चरण में अभ्यर्थी ने बड़ी संख्या में कॉलेज लाग किया और उनको मनचाहा आवंटन भी हुआ, लेकिन प्रवेश करीब 80,000 नहीं लिया। अब देख लीजिए इसमें क्या बोला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉलेज भी लाग किया और उनका मन चाहा कॉलेज भी मिला, किसी को मिला किसी को नहीं मिला, फिर भी जो है करीब 80,000 ने ही स्टूडेंट्स ने ही प्रवेश लिया। तो आप सोच लो कि कितना रैंक था और उसमें कितना स्टूडेंट्स ने ही बस लिया है। इसलिए दूसरे चरण में रिक्त 1.5 लाख सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके लिए भी अभ्यर्थी से कॉलेज च्वाइस ऑनलाइन मांगी जाएगी, इसके बाद आवंटन होगा। यह प्रक्रिया 31 अगस्त को पूरी होनी है। हालांकि डीएलएड प्रोसेस 6 अगस्त से ही शुरू हो चुका है। दूसरे चरण में जिन अभ्यर्थियों का प्रवेश मिलेगा उन्हें अतिरिक्त कक्षाओं के माध्यम से पाठ्यक्रम पूरा कराने का निर्देश है। जैसे कि आपको पता होगा कि फर्स्ट फेज का है जो काउंसलिंग हो भी गया है, रिजल्ट भी आ गया और 6 अगस्त से क्लासें भी स्टार्ट हो जाएगी, हो गई है। और इसमें बोला गया है कि अतिरिक्त कक्षाएँ चलेगी जिनका सेकेंड फेज में किया जाएगा और उनका जो पीछे छूट गया है उनको एक साथ ले चलने की कोशिश करी जाएगी, ठीक है। तो आपको प्रिफ्रेंस कैसे भरना है, ठीक है, तो आपको सरकारी कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज मिल सकेगा। मैं आपको कल पूरे डिटेल्स में एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। इसके लिए आपको, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। मैं आपको कल डिटेल्स में बता दूंगी। तो फिर मिलता है मैं आपको अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। लेकिन उससे पहले अगर मैं इसमें शॉर्टली बता दूँ कि अगर आप कॉलेज भर रहे हो
तो पहले तो मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया है कि कितनी सीटें आपके इंस्टीट्यूट नज़दीकी इंस्टीट्यूट में खाली है, तो आप देख सकते हो और उसी के बेस पर आप अपना कॉलेज प्रेफरेंस फिल कर सकते हो। तो फर्स्ट एंड सेकंड पर आपको डायट कॉलेज भरना होगा, तभी आपको जो है वो डायट कॉलेज मिलने के चांसेस है, वरना नहीं है। तो आप जितना चाहे कॉलेज में प्रेफरेंस भर सकते हो, कोई भी आपका बाध्य नहीं है, ठीक है। तो कल मिलते हैं, मैं आपको पूरे डिटेल्स में एक वीडियो प्रोवाइड करूंगी ओनली आपके लिए, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। तो फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।